तो बोले भंडारी, आज दिनांक 3 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त मंगल, यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मिशन ग्रेट इंडिया का, यानी हमारे प्रोग्राम का द ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। मतलब वह डॉक्यूमेंट जो भारत को सारे खतरों से बचाएगा, भारत को महान बनाएगा, भारत को वर्ल्ड लीडर बनाएगा। क्या भाई ऐसा होगा? क्या ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ऐसा कर पाएगा? तो दोस्तों देखिए, यह एक प्रयास है और यह एक रिसर्च है, यह एक देवी डिवाइन वॉइस है। मतलब कि यह मिशन ग्रेट इंडिया, इसका ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ही भारत को बचाएगा, मतलब यही भारत को बचा सकता है। देखो, जो पाप किए हैं वे तो अपना असर दिखाएंगे, लेकिन कोई चीज़ है वो बचा सकती है तो यही बचा सकती है, और हमारा विश्वास है कि यही बचाएगी, चाहे कुछ नुकसान उठाने के बाद ही, और भारत को नुकसान उठाने के बाद ही बचाइए। क्यों? क्योंकि बिना नुकसान उठाए हुए देश के लोगों की आंखें नहीं खुल सकती। तो ये क्या है? दिस इज द ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। भाई ऐसा क्या है? जैसे हमने अपना होश संभाला, हमने भारत को देखा, भारत का यहाँ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक सारा जो ढांचा देखा, मैं तो देखता ही रह गया कि अरे ये भारत बचेगा कैसे। मेरी यही समझ में नहीं आता है भारत बचेगा कैसे। भारत के बचने की कोई संभावना नहीं है। पिछले 40 सालों से मैं यही सोच रहा हूँ, यही मेरा विषय रहा है। रोटी पानी का इंतजाम करना, नौकरी करना, ये तो सब पार्ट टाइम जॉब रहे मेरे। ये भारत बचेगा कैसे? इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक ढांचा ही ऐसा है कि नहीं बच सकता। लेकिन भाई बचाना तो जरूरी है। मैं ये कह रहा भाई बचाना तो जरूरी है। वह क्या था? यह भारत है ABC। यह है टॉप 20% मान लो, बी है मिडिल है वाले 50% मान लो, और लोअर है 30% लोअर ग्रुप। मेरे दिमाग में जाने क्या बैठी, परमात्मा ने क्या मेरे को अंदर दिमाग में कीटाणु डाला है कि मेरे दिमाग में यही घूमता, लेकिन 300 साल तक मैं कुछ नहीं कर सकता, कर ना सका। और अभी जो ये सोशल मीडिया का समय आया, तो मैं 8-10 साल से कभी ट्विटर पर, कभी फेसबुक पर, और अब यूट्यूब पर चिल्ला रहा हूँ। और ये मानता हूँ कि भारत बचेगा, महान बनेगा, और इसी फार्मूले से बनेगा। अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाचेगा। आप इसको डिस्प्यूटेबल बताएंगे? बेसलेस, कुछ नहीं। आप सुन लीजिए, ऐसा ही होने वाला है। तो आज हम ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये क्या है? ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट 2018 की बात करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि मेरा 2018 का
2018 का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो अपने मैंने दीवार पर लिख रखा था, मेरी दुकान की दीवार पर लिख रहा था, कुछ दिनों पहले मुझे फेसबुक में मिला, 3-4 साल पहले का, मैंने उसको प्रसारित किया था। मतलब कि यह डॉक्यूमेंट क्यों, हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, यह सारा यह डॉक्यूमेंट बताता है। क्या है यह डॉक्यूमेंट? इस डॉक्यूमेंट के हम ज़्यादातर उस पार्ट को लेते हैं कि हमें क्या करना मांगता है। इट इज ए डिक्लेरेशन बाय इट्स फाउंडर मिस्टर मंगल दैट वी विल डू इट। यह वह डिक्लेरेशन है जो हमने 5 साल पहले, 4 साल पहले किया था कि हम ऐसा करेंगे। इसके पीछे बड़े ज्ञान विज्ञान हैं, वो एक फैंतासी से आपको लगेगा, जब इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ सही बात थी इसकी। ये देखिए, एजुकेशन टू आल पर्सन, हर एक आदमी को शिक्षा देगा देना मांगता है, फ्री एक जैसी एंड अनिवार्य, सब आदमियों को शिक्षा मिलेगी। यह ग्रेट इंडिया डिक्लेरेशन, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का पहला है, और वह सबको फ्री मिलेगी, एक जैसी होगी, और वो मैंडेटरी होगी, लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट्स कहें कि मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, ऐसा नहीं हो सकता। इलिटरेसी विल बी ए क्राइम, इलिटरेसी विल बी, अशिक्षा एक अपराध होगा, ये उसके घर वालों के लिए भी, ये उस जगह के लिए भी, उसके कलेक्टर, SP, थानेदार, VLW या जो भी हैं, सबके लिए क्राइम होगा कि कहीं कोई बच्चा अशिक्षित कैसे नहीं, कैसे पाया गया, स्कूल कैसे नहीं गया। ग्रेट इंडिया डिक्लेरेशन का ये पहला पॉइंट हमने लिखा था दीवार पर। दूसरा देखिए, यूनिफॉर्म लिवलीहुड अलाउंस टू ऑल सिटीजन्स, यूनिफॉर्म लिवलीहुड अलाउंस टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को समान भत्ता मिलेगा, हर एक को मिलेगा, सफिशियंट मिलेगा। इसमें क्या है कि ऐसा करने से, ये ऐसा करने से लोगों की हाय फाय खत्म हो जाएगी कि कल को क्या होगा, इसलिए ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर, बहुत हद तक ख़त्म कर देगा। यूनिफॉर्म लिवलीहुड अलाउंस टू ऑल सिटीजन्स, पहले हम सब बोल देते हैं, वन गवर्नमेंट और कंपनी जॉब टू ए कपल। भारत में एक कपल को में से एक को ही नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं कि मियां बीवी दोनों गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, दोनों कंपनी जॉब में लग जाएं। इसका एक्सटेंशन ये किया जा सकता है कि एक परिवार को एक ही नौकरी मिलेगी, जब तक सबकी भरपाई नहीं हो जाती। एक गवर्नमेंट या कंपनी जॉब मिलेगा टू ए कपल आर टू ए फैमिली, ये रफली आइडियाज हैं, इनका अभी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। चौथा नंबर देखिए, एक ही इंश्योरेंस होगा किसी सबका, ऐसा नहीं किसी के 10-10 इंश्योरेंस हुए, और यूनिफॉर्म होगा, वन एंड यूनिफॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टू ऑल, सबके लिए होगा, सारी भागम भाग खत्म हो जाएगी, सबको समान अवसर मिलेगा। पांच नंबर देखिए, सबको समान अवसर मिलेगा, क्या कि जब तक सोसाइटी में एनोमलीज हैं, कास्ट सिस्टम है, तब तक ये इक्वेशन काम करेगा। गवर्नमेंट ग्रेट इंडिया इक्वेशन, ग्रेट इंडिया कमिटी बनाई जाएंगी इसके लिए, इसमें भागीदारी का सिद्धांत लागू होगा, 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप एंड 20% अपर ग्रुप, हर एक काम इसी से ही चलेगा।
किसी बैंक का बोर्ड हो, किसी मिनिस्ट्री का टॉप बोर्ड हो, किसी गवर्नमेंट में जॉब हो, सब समाज के सामाजिक ढांचे से इस तरह से लोग लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़े से लोग सभी जगह काबिज हो गए। और ये सोशल बैकवर्डनेस पर होगा, मतलब ये कास्ट बेस्ड होगा, इट विल बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस क्राइटेरिया टिल द कास्ट सिस्टम इज रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। ये तब तक ऐसा चलेगा जब तक कि भारत से जाति प्रथा खत्म नहीं हो जाती। टोटल नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम होगा, शिक्षा का सारा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। प्राइवेट तो 0% होंगे, एक परिवार के लिए एक ही मकान का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि 5-6 फैमिली आदमियों की फैमिली और उसके पास 10 मकान हो, एक ही मकान उनको मिलेगा। लोगों की सैलरी का क्या है, किसी को कितना क्यों दे रहे हो, कोई आधार है? आज हमारा सारा सिस्टम एक नॉनसेंस सिस्टम है, पगलाया हुआ है कि आखिरकार किसी को कितने पैसे क्यों देते हो, कोई आधार नहीं है। सैलरी सिस्टम का आधार होगा। पहले तो किसी भी छोटी से छोटी नौकरी, एक चपरासी, एक आईएएस ऑफिसर है, किसी की सैलरी में डिफरेंस 1-3 गुना से ज़्यादा नहीं होगा। इम्प्लीमेंट करते हुए ये हो सकता है कि 1-4 गुना हो जाए, 1-3 का रेशो होगा। मतलब स्टार्टिंग में कोई चपरासी लगता है उसको 1000 रुपये महीना मिलता है, तो आईएएस ऑफिसर को बस 3000 मिलेगा। और वो कितना मिलेगा इसका ये होगा, अमाउंट कितनी मिलेगी ये देखिए, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सपोज करो आज सारे गवर्नमेंट जो भी इनकम है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है लोगों में, तो वह उस इनकम को सारी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाएगा। ये जो पैसा आएगा वह एक एवरेज इनकम है एक आदमी की, वह एक एवरेज इनकम है एक आदमी की। तो एक आदमी को कोई फैमिली में नौकरी लगता है तो उसकी इनकम कैसे डिसाइड होगी कि उसको 5 आदमी के फैमिलियों को उसके हिसाब से इतना मिलना चाहिए, एक आदमी के हिस्से में आता इतना, तो एक परिवार के हिस्से में कितना आएगा, कम से कम यह उसको दिया जाएगा, इससे न ज़्यादा न कम। यह अलग है कि अपनी एबिलिटी के अनुसार 1-3 गुना से ज़्यादा फर्क नहीं हो, कम से कम इतना दिया जाएगा। कितना? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन, जो एक आदमी के हिस्से में आता है उसके परिवार 5 आदमी का एवरेज माने, 6 माने, तो उसको इतना पैसा मिनिमम दिया जाएगा। और बड़े से बड़े ऑफिसर को इसे 3 गुना से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। यदि 10 साल की नौकरी एक चपरासी की हो गई और 10 साल की नौकरी एक आईएएस ऑफिसर की होगी तो उनमें 3 गुने से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 9 नंबर देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिमिट क्या होगी, लोग कितना पैसा रख सकते हैं अपने पास। प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिमिट होगी 20 साल का लगा लो, 30 साल का लगा लो, 20 इयर्स एक्सपेंडिचर फॉर वन फैमिली। इसके लिए क्या है कि 20 ईयर एक्सपेंडिचर वन फैमिली, एक आदमी के पास, एक परिवार के पास कितना पैसा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में रख सकता, प्रॉपर्टी के रूप में रख सकता है, उसके परिवार के खर्चे से जो मंथली होता है वह 20 साल तक कम से कम उसको इतना पैसा रख सकता है, इतना प्रॉपर्टी रख सकता है, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं।
और ऊपर से जो यूनिफॉर्म सिविल अलाउंस जो मिल रहा है वह तो मिलता ही है, वो ज़्यादा प्रॉपर्टी कर रखेगा क्या, करेगा क्या? तो ये उसमें एक हमारा नियम होगा, पक्का होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का है। इसी तरह से लैंड लिमिट होगी, और क्या होगा ग्रेट इंडिया डिक्लेरेशन में, क्या हुआ जो क्या, ओनली इंटरकास्ट मैरिजेज विल बी अलाउड, ओनली इंटरकास्ट मैरिजेज विल बी अलाउड। और मैरिज क्या कैसे किए जाएंगे, थ्रू मैरिज लव फेयर्स। और मैरिज कैसे किए जाएंगे, थ्रू मैरिज लव फेयर्स। इसका मतलब क्या है, युवक युवतियों के मेले लगेंगे, वहाँ वे अपना जीवन साथी चुनेंगे, एक बार दो बार तीन बार उनकी दोस्त की तरह मिलें, तब वे भी जोड़े चुने जाएंगे। इंटरकास्ट मैरिजेज नहीं, मैरिजेज विद इन कास्ट विल बी बैंड, विद इन कास्ट मैरिज बैन हो जाएंगी। 12 नंबर देखिए, कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स इन आर्म्ड फोर्सेज विल बी बैंड एबॉलिश्ड। जातिवाद पर आधारित ये सारी, ये जाट रेजिमेंट है, ये राजपूत राइफल है, ये गोरखा राइफल है, ऑल विल बी एबॉलिश्ड। और ऐसा ही हो गए, और भी इसमें बहुत से पॉइंट हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो अभी हम बता नहीं सकते। सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, सारे पेट्रोल पंप गैस एजेंसी का नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। अरे आदमी लाया क्या था जन्म से, एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है, दूसरा बेचारा भूखा मर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसा ही होगा, ये हम एक अलग हमारे सीक्रेट सिद्धांत के आधार पर बोलते हैं कि ऐसा क्यों होगा, कभी कभी झलक से आपको बताते रहते हैं। भारत के सामने भुखमरी, NWO, G5, PH बिल, मंकी पॉक्स, गृह युद्ध, भारी आक्रमण, ये सारे ज़्यादातर इसी का परिणाम है कि भारत में कितनी एनोमलीज हैं। एक तरफ आदमी जो भूख से तड़पता है, करोड़ों करोड़ों लोग, 40 करोड़ लोग भूख से तड़पते हैं, और एक तरफ मुट्ठी भर लोग सारे धन को विदेशों में ले जाते हैं। मारा जाएगा इंडिया, और ये कहते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, तो सुन लो, लोअर 30% लोग इनके भूख से मरने के चांसेज हैं, और टॉप 20% लोग ये गृह युद्ध में मारे जाएंगे। हमारे रिजल्ट से कहते हैं, क्या उछल कूद मचा रखे देश के पैसे वालों ने, ये गृह युद्ध में मारे जाएंगे जब हालातें बिगड़ेंगी। और ये मिडिल के 50% लोग हैं ना, इनको तो होश ही नहीं है, इनको तो कहना ही क्या कहना चाहिए, ये न ऊपर के रहे न नीचे के रहे, ये तो कुछ समझते ही नहीं। वरना 1992 में मंडल कमीशन का ये हाल होगा होता, असंवैधानिक रूप से, बेकानूनी रूप से एक जज पूरी पार्लियामेंट के अधिकारों को अपने पास ले लेता है, क्या से क्या कर देता है। OBC के लिए तो ये एक बड़ी सेमफुल चीज़ है, सभी देश के लिए सारी चीज़ें सेमफुल हैं। जैसा परमात्मा हम इशारे देता है हम उसी के अनुसार बोलते जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट लगभग खत्म हुआ, प्रैक्टिकल शुरू करो। यहाँ हमारे बहुत से प्रेमी लोगों ने ऑफिसेज खोल रखी हैं, सबसे पहले तो अपने दिलों में ऑफिस खोलिए, फिर वे अपनी दुकानों में या अपने बेडरूम में ही ऑफिस खोलें उन्होंने। और ये जो मिशन ग्रेट इंडिया के सिपाही हैं, प्रेमी हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे करेंगे, किसी के पीछा नहीं करना, किसी को गिड़गिड़ाना नहीं, मिन्नत नहीं करना। प्रसारण यहाँ से हो रहा है, जो जो अपने मिलते हैं
ये अपने पास पांच चीज़ें रखेंगे क्या? एक ऑफिस, ऑफिस चाहे अपने बेडरूम में रखो, दुकान में रखो, चाहे मनी मन में रख लो, आपका मन भी आपका ऑफिस है। एक रजिस्टर रखेंगे, उस रजिस्टर में सारे विजिटर्स, दोस्त या कॉन्टैक्ट के लिए ये है, कौन है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्या उसकी स्टेटस है, कितनी उम्र है, कितनी पढ़ा लिखा हुआ है। इस तरह से एक बोर्ड बना लेंगे, बोर्ड नहीं बनाए तो एक पेपर पर ही लिख कर रखेंगे, वह भी नहीं तो बस घर के अंदर है एक पेंट करा लेंगे छोटा सा, जिसमें ऐसे लिखेंगे जैसे हमने पहले बोला था, मिशन ग्रेट इंडिया, हेड ऑफिस अलवर, इतना नंबर, ब्रांच ऑफिस आपका नंबर। और इसको अभी लोग बाहर दरवाजे पर लिखने की या टांगने की बोर्ड की हिम्मत नहीं करें तो अपने घर के अंदर ही करिए, इसके वाइब्रेशंस आपके लिए, लोगों के लिए, उसी में प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। अरे करने वाला तो परमात्मा है, लोगों को खींच खींच कर वहीं ले आएगा, आपने वो लगा लिया और लोग पूछने लगे अरे भाई क्या है क्या है क्या है, इसी में सारे देश में फैल जाएगा। एक षडयंत्र रखेंगे, जो षडयंत्र हम लोगों को देते हैं, षडयंत्र क्या है ये अलग से सब्जेक्ट का हिस्सा है, एक विज्ञान है, ये एक संकल्प है, ये एक एनर्जी का पुंज है, ये कुछ भी कर सकता है और ये कुछ भी नहीं करता। ऐसा ही है कि जैसे भगवान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिखता और वह हर जगह है और सब कुछ करता है। ये ब्रह्मांड का मॉडल है, ये एटम का मॉडल है, ये क्या क्या है ये इस जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको जागृत करना पड़ता है धीरे धीरे। और एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी रखेंगे, ये जो मैंने अभी बोला, अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे लोगों के सहयोग से, भाई कोई आए तो भाई ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है ये लो। एक ऑफिस, एक रजिस्टर, एक बोर्ड चाहे पेंट करा करी कर लो, एक षडयंत्र और एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की भाई ये करना चाहते हैं। नो वरी, नो किसी के पीछे जाना, और वहाँ लिख देना कि दिस इज मिशन ग्रेट इंडिया मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र, या जो भी आप लिखना चाहें हमसे पूछ लें। प्रिया छोटा सा है लेकिन देखना अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाचेगा, चाहे आप लोगों को पता नहीं हो। ये शब्द हम ऐसे ही नहीं बोलते, हमारे प्रयत्न फेल होंगे नहीं। क्या लोग आएंगे सब की सब? सब लोगों को आना ही पड़ेगा, राजी राजी में कोई नहीं आता, झूठ खाना ही खा खा कर आएंगे। क्या देश ऐसे चलता है? ऐसे पता चलेगा कि रात में ये थे, सुबह कहाँ चले गए सारे लुटेरे एंड कंपनी? ये कोई देश ऐसे चलता है? ऐसे तो कोई पागल भी नहीं चला सकता। देख लो अब ये होने वाला है। हमारे सभी दोस्त जो इस प्रोग्राम में महत्व भूमिका निभा रहे हैं, इसके साथ आत्मीयता रखते हैं, तो कृपया कुछ कुछ काम करते जाएं। जैसे जिनके पास कंप्यूटर है, अच्छी टाइपिंग जानते हैं, तो वे ये लिखें कि ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसका एक दो पेज का बना कर ही हम उसको सर्कुलेट करेंगे। इसका एक संविधान पूरी मिशन का बनाने में हमारी हेल्प करें और इसको जगह जगह पहुंचाने में हेल्प करें। अभी ये प्रोग्राम इतना बढ़ गया है कि हमसे ये वन मैन ऑफिस वाले से बस में नहीं हो रहा, हमको यहाँ स्टाफ रखने की जरूरत पड़ रही है। जल्दी जागो भारत के लोगों, भयानक हालातों में भारत फंसा है। भुखमरी, NWO, PH बिल, मंकी पॉक्स, ग्रेड, भारी आक्रमण,
अपने कर्म फल से तो कोई छुटकारा दिला नहीं सकता, लेकिन कहते हैं तलवार का वार आलपिन के वार पर निकल सकता है, उसका फिर अलग आधार है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम ईश्वर के नियम के अनुसार चलेंगे तो ईश्वर हमारे इशारे पर चलेगा। इफ़ यू ओबे द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी विल ओबे यू। इफ़ यू ओबे द रूल्स ऑफ डिवाइन गॉड द गॉड विल ओबे यू। इसी आधार पर हम कहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं कि वह अवश्य होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह देव की इच्छा है, जन जन की इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।